सर मैं हूं शरद बाघेला। एक बड़ी खबर आ रही दंत वेड़ा से, जहां पर दुकापारा में प्रेशर आईडी ब्लास्ट होने की सूचना मिली है। ब्लास्ट की चपेट में आने से एक जवान डीआरडी का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुकापारा में प्रेशर आईडी ब्लास्ट किरंदुल के हिरोली के पास की घटना है। बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां दुकापारा में प्रेशर आईडी ब्लास्ट हुआ है। किरंदुल में यह हादसा हुआ है। ये आपको बता दें कि दुकापारा में प्रेशर आईडी में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की चपेट में एक जवान आया है जो कि घायल है। और आपको बता दें कि दुकापारा में प्रेशर आईडी का ब्लास्ट हुआ है। किरंदुल में निहोरी की पूरी घटना है। और आपको बता दें कि यह जवान डीआरजी का जवान है जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। इससे की बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आ रही है, जहां पर नक्सली हमला हुआ है, यानी कि उनके जो आईडी ब्लास्ट जो होता है, प्रेशर आईडी ब्लास्ट वहां पर हो गया है। उस ब्लास्ट की चपेट में एक जवान आ गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दंतेवाड़ा से पंकज भदौरिया। पंकज, क्या कुछ ये पूरा मामला, एक जो आईडी ब्लास्ट हुआ है, इसमें जवान की क्या हालत है और क्या कुछ स्थिति वहां पर मौके की अभी? आपको बता दूं कि आज किरंदुल में जो एनएमडीसी 13 नंबर डिपॉजिट के विरोध उठा था, उसी में आज कथित फर्जी ग्राम सभा की जांच हो रही थी, जिसके लिए प्रशासन पहुंचा हुआ था। हिरोली ग्राम बहुत अंदर का ग्राम है, इसके लिए बहुत भारी सुरक्षा लगाई गई थी। इसी सुरक्षा में डीआरजी का एक जवान प्रेशर आईडी बम की चपेट में आया है, जिससे जवान का दायां पैर दूर के तरह घायल हो गया है। पार्टी उस घायल जवान को लेकर के किरंदुल अस्पताल की ओर रवाना हुई है। जी, क्या उस टाइम क्या पुलिस गश्त कर रही थी वहां पर, जवान गश्त कर रहे थे, और या कहां कहां पर प्रेशर आईडी ब्लास्ट क्या पुलिस पहले से ही उन्होंने बना के रखा हुआ था वहां पर? दरअसल ये जो हिरोली ग्राम है, ये काफी अंदरूनी इलाका पड़ता है। मलिंगर एरिया कमेटी, इसको मलिंगर एरिया कमेटी के नक्सलियों का ये इलाका है, और यहीं पर ये फर्जी ग्राम सभा की जो आज जांच होनी थी वो हो रही थी। और काफी जंगल का ये इलाका है, भौगोलिक परिस्थितियों से नक्सलियों के माकूल इलाका है, और इसलिए यहाँ पर जगह जगह पर प्रेशर आईडी और बूबी ट्रैप नक्सलियों ने लगा रखा था। सवेरे भी जब फोर्स हिरोली ग्राम की तरफ बढ़ी थी, तो नक्सलियों के खोदे हुए गड्ढे को फाटते हुए सुरक्षा के बीच में जांच टीम को ले गई थी, लेकिन वहीं पर एक जवान का पैर आया और जवान घायल हो गया। क्या लगता है कि अभी जो जवान है उसकी क्या स्थिति है, उसका पैर कैसा है और उसका इलाज कहाँ चल रहा है? हालांकि जवान अभी तो खतरे से बाहर है, फिलहाल उसको फौरी तौर पर किरंदुल अस्पताल लाया गया है। यहाँ से उसको दंतेवाड़ा जिला अस्पताल ले जाने की तैयारी चल रही है, लेकिन जवान का जो पैर है वो बुरी कदर इंजर्ड हुआ है। यानी कि दुकापारा में प्रेशर आईडी ब्लास्ट में जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका एक पैर काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे वो चलने में भी असमर्थ है, उसका इलाज चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए।